शिव समार है मुझ में और मैं शून्य हो रहा हूँ। जय बोले दोस्तों, भोलेनाथ सबके साथ। तो गुरु भाई के 440 वोल्ट करंट अफेयर इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों, आज दिनांक 1 मार्च 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं गुरु भाई के जानदार जबरदस्त जिंदाबाद ला जवाब 1 मार्च 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर दोस्तों। तो दोस्तों, हाल ही में 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया गया। तो दोस्तों, नेशनल साइंस डे 28 फरवरी को मनाया गया दोस्तों। तो दोस्तों, लोगों के डे टू डे लाइफ में विज्ञान के महत्व के बारे में जागरूकता एवं जानकारी बढ़ाने के लिए 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस यानी कि नेशनल साइंस डे के रूप में मनाया जाता है दोस्तों। और दोस्तों, 28 फरवरी को ही क्यों मनाते हैं? तो 28 फरवरी को सर सीवी रमन जी ने 28 फरवरी 1928 को ही रमन इफेक्ट की खोज की थी, इसीलिए हर साल 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस यानी कि नेशनल साइंस डे के रूप में मनाया जाता है। और दोस्तों, रमन इफेक्ट के लिए ही सीवी रमन जी को फिजिक्स का नोबेल प्राइज भी मिल चुका है दोस्तों। और दोस्तों, 2022 की राष्ट्रीय विज्ञान दिवस यानी कि नेशनल साइंस डे की थीम क्या थी? तो दोस्तों, इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर, यह राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की 2022 की थीम थी दोस्तों। और दोस्तों, इसी तरह से नेशनल साइंस डे जो दोस्तों 28 फरवरी को मनाते हैं, पर वर्ल्ड साइंस डे अपन 10 नवंबर को मनाते हैं। और दोस्तों, 11 फरवरी को इंटरनेशनल डे फॉर वुमेन्स इन साइंस भी मनाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, हाल ही में 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस यानी कि नेशनल साइंस डे के रूप में मनाया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट खेलते हैं। तो दोस्तों, हाल ही में सेबी यानी कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में माधवी पुरी बुच्ची जी को नियुक्त किया गया। तो दोस्तों, पूर्व ICICI बैंकर माधवी पुरी बुच्ची जी को सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। तो दोस्तों, अजय त्यागी जी का स्थान लेंगी माधवी पुरी बुच्ची जी। तो दोस्तों, बात अभी सेबी की है। सेबी की फुल फॉर्म होती है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1992 में होती है, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, जिसके अभी पहली महिला अध्यक्ष माधवी पुरी बुच्ची जी को नियुक्त किया गया है। और दोस्तों, इसी तरह से पहली महिला अध्यक्ष से याद आया कि दोस्तों, अलका उपाध्याय जी हाल ही में नेशनल हाईवे अथॉरिटी की पहली महिला अध्यक्ष बन गई थी। और अलका उपाध्याय से याद आया अलका मित्तल जी ONGC की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। और दोस्तों, ध्रुति बैनर्जी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी, जिसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है। और दोस्तों, रेखा मेनन जी नेस्कॉम की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। तो दोस्तों, बात अभी सेबी की है। तो दोस्तों, हाल ही में सेबी ने सारथी नामक एप्लीकेशन को लॉन्च किया था। हाल ही में सेबी ने ही बाजार की विसंगतियों का जल्द पता लगाने और तकनीकी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए सेबी ने एक अलर्ट समिति बनाई थी। उस समिति के अध्यक्ष के रूप में माधवी पुरी बुच्ची जी को ही नियुक्त किया गया था। और दोस्तों, सेबी ने अपनी निवेश नीति सलाहकार समिति के अध्यक्ष के रूप में इन्फोसिस के कोफाउंडर NR नारायण मूर्ति जी को बनाया था। तो दोस्तों, हाल ही में सेबी यानी कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में माधवी पुरी बुच्ची जी को नियुक्त किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट खेलते हैं। तो दोस्तों, हाल ही में राफेल नदाल जी ने मैक्सिकन ओपन 2022 का खिताब जीता। तो दोस्तों, स्पेन के टेनिस प्लेयर राफेल नदाल जी ने मैक्सिकन ओपन 2022 का खिताब जीता। तो दोस्तों, किंग ऑफ क्ले कोर्ट के नाम से जाने जाते हैं दोस्तों राफेल नदाल, उन्होंने ही हाल ही में मैक्सिकन ओपन 2022 का खिताब जीता। तो दोस्तों, ब्रिटेन के टेनिस प्लेयर कैमरन नोरी जी को हराकर राफेल नदाल जी ने मैक्सिकन ओपन 2022 का खिताब जीता। और दोस्तों, 2005 में पहली बार राफेल नदाल जी ने मैक्सिकन ओपन टाइटल अपने नाम किया था। फिर 2013 और 2020 में भी मैक्सिकन ओपन टाइटल जीता था दोस्तों राफेल नदाल जी ने। इसी तरह से नदाल जी का चौथा मैक्सिकन ओपन टाइटल यह उन्होंने अपने नाम किया। और दोस्तों, हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 भी राफेल नदाल जी ने ही जीता था दोस्तों, रशिया के डैनियल मेडवेडेव जी को हराकर। और दोस्तों, वुमेन सिंगल्स का खिताब इन ऑस्ट्रेलियन ओपन एशले बार्टी जी, जो कि ऑस्ट्रेलिया की है, उन्होंने जीता था। तो दोस्तों, हाल ही में राफेल नदाल जी ने मैक्सिकन ओपन 2022 का टाइटल खिताब जीता है दोस्तों। नेक्स्ट खेलते हैं। तो दोस्तों, हाल ही में 58वीं सीनियर नेशनल चेस चैंपियनशिप 2022 का आयोजन उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में किया गया। तो दोस्तों, 25 फरवरी से 3 मार्च तक चलने वाली 58वीं सीनियर नेशनल चेस चैंपियनशिप 2022 का आयोजन उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में किया गया दोस्तों। और दोस्तों, हाल ही में कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। और दोस्तों, हाल ही में कानपुर से याद आया कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ब्लॉकचेन आधारित डिजिटल डिग्री का उद्घाटन IIT कानपुर में ही किया था दोस्तों। और दोस्तों, हाल ही में चेस प्लेयर तनिष्का कोटिया जी को गुरुग्राम हरियाणा के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में भी चुना गया था। तो दोस्तों, हाल ही में 58वीं सीनियर नेशनल चेस चैंपियनशिप 2022 का आयोजन उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में किया गया दोस्तों। तो दोस्तों, हाल ही में 58वीं सीनियर नेशनल चेस चैंपियनशिप 2022 का आयोजन उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर, जिसको उत्तर भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है, वहाँ पे होगा दोस्तों। और दोस्तों, हाल ही में चेस प्लेयर तनिष्का कोटिया जी को गुरुग्राम हरियाणा के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया था। और दोस्तों, हाल ही में 58वीं सीनियर नेशनल चेस चैंपियनशिप 2022 का आयोजन उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में किया गया दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं।
तो दोस्तों हाल ही में भारतीय रेलवे का पहला सोलर पावर प्लांट मध्य प्रदेश राज्य में स्थापित किया जाएगा। तो दोस्तों यह सोलर पावर प्लांट सीधे ट्रैक्शन को पावर फीड करेगा। तो दोस्तों हाल ही में भारतीय रेलवे का पहला सोलर पावर प्लांट मध्य प्रदेश राज्य में स्थापित किया जाएगा। तो दोस्तों हाल ही में मध्य प्रदेश के बीना में भारतीय रेलवे का पहला सोलर पावर प्लांट स्थापित किया जाएगा। तो दोस्तों यह वेस्ट सेंट्रल रेलवे का एक हिस्सा है। दोस्तों मध्य प्रदेश के बीना में भारत का पहला सोलर पावर प्लांट मध्य प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। और दोस्तों यह पावर प्लांट जो रेलवे लाइन है उनको डायरेक्ट फीड करेगा, यानी कि उनको डायरेक्ट भेजेगा दोस्तों यह पहला सोलर पावर प्लांट। तो दोस्तों भेल की सहायता से भारतीय रेलवे का पहला सोलर पावर प्लांट मध्य प्रदेश राज्य में स्थापित किया जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में भारतीय रेलवे का मध्य प्रदेश के बीना में भारतीय रेलवे का पहला सोलर पावर प्लांट स्थापित किया जाएगा। और दोस्तों हाल ही में भारतीय रेलवे 2023 तक पूरी तरह से इलेक्ट्रिफाइड हो जाएगा, ऐसा भारतीय रेलवे का लक्ष्य है, टारगेट है। और दोस्तों 2030 तक भारतीय रेलवे पूरी तरह से ग्रीन एनर्जी पर चलेगा। और दोस्तों किशनगंज दिल्ली में भारत की सबसे बड़ी कुश्ती अकेडमी बनाएगा भारतीय रेलवे। तो दोस्तों हाल ही में भारतीय रेलवे का पहला सोलर पावर प्लांट मध्य प्रदेश के बीना में स्थापित किया जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में T+1 स्टॉक सेटलमेंट्स को लागू करने वाला दूसरा देश भारत बन गया। तो दोस्तों T+1 स्टॉक सेटलमेंट्स को लागू करने वाला दूसरा देश भारत बना है। तो दोस्तों क्या होता है T+1 स्टॉक सेटलमेंट? तो दोस्तों यहां पे टी का मतलब ट्रेडिंग डे होता है। तो दोस्तों जैसे कि अपन ने सोमवार यानी कि ट्रेडिंग डे पर कोई शेयर लिया, तो ट्रेडिंग डे सोमवार प्लस एक डे यानी कि मंगलवार को वह शेयर आपके डीमैट अकाउंट में आ जाएगा। तो दोस्तों ट्रेडिंग वाले डे नहीं आएगा, उसके अगले दिन आएगा दोस्तों यह डीमैट अकाउंट में अपना शेयर। तो दोस्तों अभी तक भारत में क्या होता था कि T+2 स्टॉक सेटलमेंट पद्धति थी, पर अभी भारत ने T+1 स्टॉक सेटलमेंट्स को लागू किया था। तो T+2 में क्या होता था, तो दोस्तों यानी कि सोमवार को कोई शेयर अपन ने परचेस किया तो वो T+2 यानी कि मंगलवार भी गया और सोमवार भी गया, डायरेक्ट वेडनेसडे को अपने डीमैट अकाउंट में वह शेयर जमा होता था। पर अब भारत ने T+1 स्टॉक सेटलमेंट्स को लागू करने वाला दूसरा देश भारत बन गया था। तो दोस्तों चाइना देश यह पहला देश है T+1 स्टॉक सेटलमेंट्स पद्धति को लागू करने वाला। और दोस्तों भारत में 2003 के पहले तो T+3 स्टॉक सेटलमेंट सिस्टम था, पर अभी हाल ही में भारत ने T+1 स्टॉक सेटलमेंट्स को लागू किया है और ऐसा लागू करने वाला यह चाइना के बाद दूसरा देश बन गया है दोस्तों भारत। नेक्स्ट पे चलते हैं। हाल ही में भारत का पहला EWaste इको पार्क दिल्ली में स्थापित किया जाएगा। तो दोस्तों दिल्ली में अभी सभी तरह के इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को रिसाइकल किया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट यानी कि इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जैसे कि पुराने फोन्स, कंप्यूटर, टीवी, ETC, यह अभी हाल ही में इस इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को रिसाइकल करने के लिए दिल्ली में भारत का पहला EWaste इको पार्क स्थापित किया जाएगा। और दोस्तों हाल ही में भोपाल के मध्य प्रदेश में ई कचरा क्लिनिक खोला गया था दोस्तों, देश का पहला। तो दोस्तों हाल ही में देश का पहला ई कचरा क्लिनिक मध्य प्रदेश के भोपाल में शुरू किया गया था। तो दोस्तों हाल ही में भारत का पहला EWaste इको पार्क दिल्ली में स्थापित किया जाएगा। और दोस्तों 14 अक्टूबर को इंटरनेशनल EWaste डे के रूप में अपन ने मनाया जाता है। और ई कैबिनेट प्रणाली को लागू करने वाला हिमाचल प्रदेश यह पहला राज्य बना था दोस्तों। तो दोस्तों भारत के पहले से याद आया तो भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क मध्य प्रदेश के जबलपुर में बनेगा, भारत का पहला जेंडर पार्क केरल के कोझिकोड में बनेगा, हाल ही में भारत का पहला फायर पार्क भुवनेश्वर के उड़ीसा में बना था, उड़ीसा के भुवनेश्वर में बना था। और दोस्तों हाल ही में भारत का पहला सैंड ड्यून पार्क गोवा में स्थापित किया जाएगा। हाल ही में भारत का पहला स्पेस पार्क केरल के तिरुवनंतपुरम शहर में शुरू किया। हाल ही में भारत का पहला लाइकिन पार्क उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में शुरू किया गया था। और दोस्तों सांची मध्य प्रदेश में भारत का पहला बुद्धिस्ट थीम पार्क भी स्थापित किया गया दोस्तों हाल ही में। तो दोस्तों हाल ही में भारत का पहला EWaste इको पार्क दिल्ली में स्थापित किया जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट खेलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में 28 फरवरी को ही दुर्लभ रोग दिवस के रूप में मनाया गया। तो दोस्तों 28 फरवरी को ही रेयर डिसीज डे के रूप में मनाया गया। तो दोस्तों फरवरी के आखिरी दिन हर साल 28 फरवरी को दुर्लभ रोग दिवस यानी कि रेयर डिसीज डे के रूप में मनाया गया दोस्तों। तो दोस्तों यह दिन रेयर डिसीजेस के बारे में जानकारी एवं जागरूकता बढ़ाने के लिए 28 फरवरी को ही दुर्लभ रोग दिवस के रूप में मनाया गया यानी कि रेयर डिसीज डे के रूप में मनाया गया दोस्तों। तो दोस्तों 2022 की दुर्लभ रोग दिवस रेयर डिसीज डे की थीम क्या थी? तो दोस्तों शेयर यूर कलर्स यह 2022 की दुर्लभ रोग दिवस रेयर डिसीज डे की थीम थी। और दोस्तों 2008 में रेयर डिसीज डे को पहली बार मनाया गया था। तो दोस्तों हाल ही में 28 फरवरी को दुर्लभ रोग दिवस यानी कि रेयर डिसीज डे के रूप में मनाया गया दोस्तों। नेक्स्ट बोलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में COVID-19 हेतु भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन यानी कि RBD प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन का नाम कोर्बेवैक्स रखा गया है। तो दोस्तों हैदराबाद की बायोलॉजिकल ई कंपनी ने COVID-19 के लिए भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित RBD प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन का नाम कोर्बेवैक्स रखा है। तो दोस्तों यह भारत की पहली स्वदेशी वैक्सीन है जो रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन यानी कि RBD का इस्तेमाल करेंगी। तो दोस्तों 28 दिनों में दो डोज लगेगी दोस्तों कोर्बेवैक्स की, तो 12 से 18 वर्ष के बच्चों को भी दे सकते हैं यह कोर्बेवैक्स वैक्सीन, यह मान्यता अभी हाल ही में इसको मिल गई। तो दोस्तों हाल ही में COVID-19 के लिए भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन प्रोटीन सब यूनिट
वैक्सीन का नाम कोर्बेवैक्स रखा गया है। और दोस्तों हाल ही में कोवैक्सीन को भारत बायोटेक ने बनाया, कोविशील्ड को सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बनाया, और दोस्तों जाइडस कैडिला का गुजरात बेस्ड फार्मा कंपनी ने पहली स्वदेशी डीएनए वैक्सीन भी बनाई जिसका नाम जाइकोव डी रखा गया है। और दोस्तों हाल ही में प्लांट बेस्ड कोविड 19 वैक्सीन को प्रमाणित करने वाला दुनिया का पहला देश कनाडा बन गया है। तो दोस्तों हाल ही में कोविड 19 हेतु भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन का नाम कोर्बेवैक्स रखा गया है। दोस्तों नेक्स्ट बोलते हैं, तो दोस्तों हाल ही में गिफ्ट सिटी में ऑफिस खोलने वाली पहली बहुपक्षीय एजेंसी न्यू डेवलपमेंट बैंक बनी, एनडीबी बनी। तो दोस्तों गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक्निकल सिटी में ऑफिस खोलने वाली पहली बहुपक्षीय एजेंसी न्यू डेवलपमेंट बैंक बनी। तो दोस्तों न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी को ही ब्रिक्स बैंक भी कहते हैं। तो दोस्तों हाल ही में गिफ्ट सिटी यानी कि गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक्निकल सिटी में ऑफिस खोलने वाली पहली बहुपक्षीय एजेंसी न्यू डेवलपमेंट बैंक बनी। न्यू डेवलपमेंट बैंक को ही ब्रिक्स बैंक भी कहा जाता है। तो दोस्तों बात अभी एनडीबी यानी कि न्यू डेवलपमेंट बैंक की है जिसकी स्थापना 2014 में हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर शंघाई चाइना में है। तो दोस्तों हाल ही में 2021 में एनडीबी का सबसे नवीनतम सदस्य कौन बना था, इजिप्त दोस्तों। और 2021 में न्यू डेवलपमेंट बैंक के 4 नए सदस्य बन गए थे, यूनाइटेड अरब अमीरात, बांग्लादेश, उरुग्वे और इजिप्त, यह 4 नए सदस्य देश बने थे दोस्तों 2021 में न्यू डेवलपमेंट बैंक के। और दोस्तों हाल ही में शंघाई कॉरपोरेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि SCO का 9वां सदस्य ईरान बना था। तो दोस्तों हाल ही में गिफ्ट सिटी में ऑफिस खोलने वाली पहली बहुपक्षीय एजेंसी न्यू डेवलपमेंट बैंक बना था दोस्तों। नेक्स्ट पहलते हैं, तो दोस्तों हाल ही में तकुया सुमुराजी को होंडा कार्स इंडिया लिमिटेड ने अपना नया अध्यक्ष और CEO के रूप में नियुक्त किया गया। तो दोस्तों जापानी कंपनी होंडा मोटर्स लिमिटेड ने तकुया सुमुराजी को होंडा कार्स इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष और CEO के रूप में नियुक्त किया गया। तो दोस्तों 1 अप्रैल 2022 से तकुया सुमुराजी को होंडा कार्स इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष और CEO के रूप में नियुक्त किया दोस्तों। और दोस्तों हाल ही में ह्युंडई इंडिया मोटर्स के मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में अंशु किम जी को बनाया था, नियुक्त किया गया था। और दोस्तों हाल ही में एयर इंडिया के MD CEO के रूप में इलकर ICG को चुना गया था। तो दोस्तों हाल ही में तकुया सुमुराजी को होंडा कार्स इंडिया लिमिटेड ने अपना नया अध्यक्ष और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट बोलते हैं, तो दोस्तों हाल ही में लोकपाल अप्लीकेशन को गिरिराज सिंह जी ने लॉन्च किया। तो दोस्तों मनरेगा के लिए लोकपाल अप्लीकेशन को गिरिराज सिंह जी ने लॉन्च किया है। तो दोस्तों अब हमारे केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह जी ने लोकपाल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है दोस्तों। और दोस्तों हाल ही में किसान एप्लीकेशन को IIT रुड़की ने लॉन्च किया था। तो दोस्तों हाल ही में लोकपाल एप्लीकेशन को हमारे ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह जी ने लॉन्च किया है दोस्तों। तो दोस्तों यह थे 1 मार्च 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। दोस्तों आज अपन क्या पढ़े उसकी एक बार रिविजन कर लेते हैं। तो हाल ही में 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस यानी कि नेशनल साइंस डे के रूप में मनाया गया। हाल ही में से भी यानी कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में माधवी पुरी बुच्ची जी को नियुक्त किया गया। हाल ही में राफेल नदाल जी ने अपना 4th मेक्सिकन ओपन 2022 का खिताब जीता। हाल ही में 58वीं सीनियर नेशनल चेस चैंपियनशिप 2022 का आयोजन उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में किया गया। हाल ही में भारतीय रेलवे का पहला सोलर पावर प्लांट मध्य प्रदेश के बीना में शुरू किया गया। हाल ही में T+1 स्टॉक सेटलमेंट्स को लागू करने वाला दूसरा देश भारत बना। हाल ही में भारत का पहला EWaste इको पार्क दिल्ली में स्थापित किया जाएगा। हाल ही में 28 फरवरी को ही दुर्लभ रोग दिवस के रूप में मनाया जाएगा यानी कि रेयर डिसीज डे के रूप में 28 फरवरी को मनाया जाता है। तो और दोस्तों हाल ही में कोविड 19 के लिए भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित RBD यानी कि रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन का नाम कोर्बेवैक्स रखा गया है। हाल ही में गिफ्ट सिटी यानी कि गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक्निकल सिटी में ऑफिस खोलने वाली पहली बहुपक्षीय एजेंसी न्यू डेवलपमेंट बैंक जिसको अपन ब्रिक्स बैंक भी कहते हैं वो बनी है। और दोस्तों हाल ही में तकुया सुमुराजी को होंडा कार्स इंडिया लिमिटेड ने अपने नए अध्यक्ष और CEO के रूप में नियुक्त किया गया। हाल ही में लोकपाल एप्लीकेशन को ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह जी ने लॉन्च किया है दोस्तों। तो दोस्तों यह थे 1 मार्च 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। दोस्तों आशा करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए होंगे तो दोस्तों लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। और दोस्तों ऐसे ही डे टू डे करंट अफेयर उनकी रिविजन क्लासेस और जनरल नॉलेज क्लासेस पढ़ने के लिए गुरुभाई के 440 वोल्ट करंट अफेयर इस चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और ऑनलाइन करंट अफेयर्स PDF पढ़ने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कीजिए दोस्तों, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। दिस इज गुरुभाई साइनिंग ऑफ। जय शंकर महाराज दोस्तों, जय बोले।